धन्यवादेशु 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 थैंक यू लॉर्ड प्रेस टू जीजस आमेन 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 ओ हालेलुया 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 ओ महिमा के योग स्तुति के योग प्रशंसा का योग रिमरा सखरवा हालेलुया धन्यवाद 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 पिता ओ हालेलुया पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता आपने पिता नया साल दिया पिता हमें 2023 पिता आपने आशीषों से भर दिया है पिता हम धन्यवाद करते हैं थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड प्रेस टू जीजस हालेलुया प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूं 2023 के इस पहला वीडियो में आप सभी का स्वागत है और सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2023 में परमेश्वर आप सबको आशीषों से भरपूर करें और आपकी जो भी काम 2022 में रुका है 2023 में वो सब यीशु के नाम में पूरा होने पाए यही मेरी प्रभु यीशु से प्रार्थना रहेगी। आपको आपके परिवार को मेरी ओर से और हमारे मिनिस्ट्री की ओर से सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2023 आप सभी को मुबारक हो। प्रभु आप सबको 2023 में अपनी सामर्थ्य से भरें वचन से भरें और मसीह में आप सब जड़ पकड़ते जाएं यही मेरी प्रभु यीशु से प्रार्थना रहेगी। हालेलुया मेरे प्रियो 2023 में हम प्रवेश कर चुके हैं और 2023 में परमेश्वर हमें नई नई आशीषों से नई नई बरकतों से नई नई ब्लेसिंग से हमें भरने जा रहा है। आमीन। अब हमें 2022 की बीती हुई घटनाओं पर मन नहीं लगाना है बल्कि 2023 में जो परमेश्वर हमारे लिए करने वाला है हमें उस पर मन लगाना है। हालेलुया हमें नई नई आशीष प्राप्त करना है यीशु से और वो हमें नई नई आशीष देने के लिए तैयार है 2023 में। आमीन। हम वचन की ओर जाएंगे इसके बाद हम प्रार्थना में भी जाएंगे। यशायाह 43 के 18 वचन कहता है अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हालेलुया 2023 में मेरे पियो बीती हुई घटनाओं पर आपको मन नहीं लगाना है। आपने 2022 छोड़ दिया है आप 2023 में प्रवेश कर चुके हैं तो पुरानी बातों को भी आपको क्या करना है भूलना है और एक नई सृष्टि आपको आज से बनना है। आमीन। आज से प्रभु यीशु के वचन के अनुसार आपको चलना है और जब आप प्रभु के यीशु के वचन के अनुसार चलेंगे 2023 में आपके सारे काम सफल होंगे। घर परिवार में आशीषें आएंगे मेरे पियो वरन आ चुकी है। विश्वास के साथ 2023 में हम प्रवेश करें अपनी आशीषों से परमेश्वर हमें भरने के लिए तैयार है। आमीन। अब पुरानी बातों पर क्या करना है अब कहता बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो यानी कि आपने जो 2022 में दुश्मनी किया था लड़ाई झगड़े किए थे मन मुटाव किया था उस सारे बातों को भूल जाना है 2023 में एक नई शुरुआत करना है और नई नई आशीषों को परमेश्वर से प्राप्त करना है। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हो सकता है आपने पिछले दिनों किससे मन मुटाव हुआ हो लाए झगड़े हुआ हो लेकिन उन सारे बातों को भूलकर आज हमें मसीह में एक नई सृष्टि बनना है मेरे पियो। तो यहां कहता है ना प्राचीन काल यानी कि पुरानी बातों पर मन हमें नहीं लगाना है। हालेलुया। और 19 वचन का है देखो मैं एक नई बात करता हूं। परमेश्वर आपसे 2023 में बातें करेंगे और नई नई आशीषों को आपके जीवन में उड़ेलेंगे मेरे पियो। वह अभी प्रकट होगी क्या तुम उससे अनजान रहोगे। अगर हम पुरानी बातों को लिए हुए चलेंगे तो हमें परमेश्वर अपनी आशीषों से कैसे भरेगा मेरे पियो। हम उसी में फंसे रह जाएंगे जो 2023 में हमारे आशीष रखा है वो रखा ही रह जाएगा जब हम पुरानी बातों मन लगाएंगे। तो यहां कहता है वह अभी प्रकट होगी क्या तुम उससे अनजान रहोगे। क्या आप उससे अनजान रहना चाहते हैं। अगर पुरानी बातों पर मन लगाएंगे तो आप इन सारी आशीषों से क्या हो जाएंगे अनजान रह जाएंगे। इसीलिए हम आज से हम प्रभु से प्रार्थना करें मेरे पियो प्रार्थना पूर्वक विश्वास के साथ और नई शुरुआत करते हुए हम प्रभु यीशु में प्रार्थना करें और 2023 अपना जीवन जिए 2023 में वो सब आपको मिलेगा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया।
मैं जंगल में, क्या कहता है, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। आपका जीवन उलझनों में पड़ा हो सकता है 2022 में हो, लेकिन 2023 में मेरे पियो आपके लिए परमेश्वर मार्ग बना दिया है। आपको उस मार्ग पे चलना है और आशीषों को प्राप्त करना है। हो सकता है आपके पास आज कुछ भी ना हो, हो सकता है आपके पास आज कुछ भी ना हो मेरे पियो, लेकिन कहता है निर्जल, यहां कहता है निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आमीन, हालेलुया। आपके घर में आज कुछ खाने को नहीं है क्या? वचन है ना, वचन है, तो 2023 में आप आशीषों से भरपूर हो जाएंगे। साल भर किसी घटी की कमी, किसी भी चीज की कमी परमेश्वर आपके जीवन नहीं होने देगा। जो आपके जीवन भली वस्तुओं की आवश्यकता है और 2023 में भरपूरी से आपको देगा, अगर आपके घर में वचन है। हालेलुया मेरे पियो। एक साल ऐसा मेरे जीवन में आया था, नया साल में घर में कुछ भी नहीं था, मेरे पास प्रॉमिस कार्ड था, उस प्रॉमिस कार्ड को, वचन को हर जगह मैं रखा। आमीन। और उस साल आशीषों से भरपूर गया। हालेलुया। वचन ही काफी है आपको आशीष देने के लिए। हो सकता है आपके खाते में, अकाउंट में पैसा ना हो, लेकिन अगर वचन आपके पास है, आपके घर में है, आपके अलमारी में वचन रखा हुआ है, तो आप आशीषों से भरपूर हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज टू जीसस, हालेलुया। रीमारा सखरबा, वचन को लिख के रखिए और अपने घर में, अपने हर स्थानों पर रख दे मेरे पियो। 2023 में आप आशीषित हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। यहाँ कहता है निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष के रास्ते को खोल रहा है, आपके मार्ग को खोल रहा है मेरे पियो। आपके घर में आशीषों की बारिश 2023 में परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया, हम विश्वास करें परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरने के लिए तैयार है। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। साल का पहला प्रार्थना मेरे पियो, ये विश्वास के साथ क्लेम कीजिए। ओ हालेलुया, पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता यह सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो आपने वचन पिता हमें दिया है पिता, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हाँ प्रभु जी, इनका जीवन पिता परमेश्वर है आप आशीषों से भर दिए है पिता 2023 में पिता। ओ हालेलुया, बहुत से पिता इस समय गिराते हुए आंसुओं के साथ प्रार्थना में बैठे हैं पिता। हाँ पिता, हर एक को अपने आंसुओं से भर दीजिए पिता, हर एक को छू लीजिए पिता, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भर दीजिए पिता 2023 में पिता। ओ प्रभु जी, आत्मा के सामर्थ्य भरने वाले हो जाए, वचन के ज्ञान से भरने वाले हो जाए पिता, और ये पूरे साल पिता अपने आपके वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए पिता। प्रभु जी, हर एक को अपनी आशीषों से भर दीजिए पिता, जो पिता उम्मीद पिता वो 2023 में प्रवेश किए पिता, किए मुझे करना है पिता। प्रभु जी, अपनी इच्छा के अनुसार पिता इनके जीवन में पूरी होने पाए पिता। ओ प्रभु जी, जो इनके मार्ग पिता बंद थे, उन मार्गों को आपने खोल दिया है पिता, जंगल में मार्ग आपने बना दिया है पिता, जो टेढ़े में रास्ते इनके जीवन में थे पिता, आपने मार्ग को सीधा करके इनके जीवन में आपने दे दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड पिता, ये प्रार्थना जिस घर में चलिए पिता, उस घर को मैं आपके नाम से आशीष की घोषणा करता हूँ। ओ घर आपके नाम से आशीषित हो जाए, ओ घर आपके नाम से ब्लेसिंग हो जाए पिता, उस घर में आपकी आशीष स्वर्ग से बरसने पाए पिता, उस घर में जितने परिवार के लोग हैं पिता, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। पूरे साल अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए पिता, और पिता हर एक महामारी और बीमारियों से इनको बचाए रखिए पिता। ओ प्रभु जी, पूरे साल पिता ये जहां भी जाते हैं पिता, इनके अगुवाई प्रदान कीजिए, हर एक कार्यों में सहायता कीजिए पिता, और पूरे महीने पूरे साल अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए पिता। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। रीमरा सखरबा, ओ मामा रामा सिखरबा, आमीन आमीन पिता। इस इनके घर के लिए, इनके पिता परमेश्वर परिवार के लिए, इनके बिजनेस के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता। ओ हालेलुया प्रभु जी, उनमें आपकी आशीष आज पिता। ओ पिता, जिनके पास पिता परमेश्वर कुछ नहीं है, आप उनको बहुत आय से भरने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उन अलमारियों में, उन घरों में, उन किचनों में पिता, उस रूम में पिता, आपकी आशीष से आज जाए खुदावन 2023, किसी बात की, किसी चीज की घटी कमी ना होने पाए पिता, और बहुत आय से आप इनको अपने आशीषों से भरने जा रहे पिता। हम धन्यवाद करते पिता, ये नया साल पिता आत्माओं को जीत कर आपके पास लाने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, ये नया साल पिता ये आत्माओं को ला
जाने वाले हो जाए आपके पास पिता, और प्रभु जिनको अपनी सामर्थ से भर दीजिए, अपने आंसुओं से भर दीजिए पिता, अपनी सामर्थ से भर दीजिए पिता परमेश्वर। और हर एक व्यक्ति पिता पवित्र आत्मा के सामर्थ से परिपूर्ण होकर आपके वचन को फैलाने वाले हो जाए पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड प्रेज टू जीजस, आमीन जीजस, आमीन जीजस। ओ महिमा 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 महिमा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं हर एक को ब्लेस करता हूँ, हर एक को आशीष की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में, यह आशीष हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। हर एक बंधन टूटे, हर एक मार्ग खुले और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट हो जाए। ओ थैंक यू लॉर्ड प्रेस टू जीजस, आपने को अपने आंसुओं से भर दिया है पिता 2023 में पिता, अपने आंसुओं से भर दिया। हम धन्यवाद करते हैं, हर एक कामों के ऊपर, परिवार के ऊपर आपने आशीष दे दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। ये पिता परमेश्वर 2023 पिता इनके लिए सफलता का साल होने पाए पिता आपके नाम से। ये पिता जो भी काम करना चाहते हैं उन सारे कामों पे आप आशीष प्रदान कीजिए, इनको ब्लेस कीजिए पिता, और अपनी महिमा के लिए इनको बहुत ऐसा उपयोग कीजिए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको आशीष की घोषणा करता हूं। आपने ब्लेस किया, आशीष किया, हम धन्यवाद करते। पूरे महीने पूरे साल अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए पिता, और पूरे साल आपके वचन के अनुसार चलने में पवित्र आत्मा के द्वारा आप इनकी सहायता कीजिए। आपने ऐसा ही आशीष दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी, आशीष मांगते हैं, शुंद्यास ग्रहण कर ले पिता, आमीन। प्रेज टू जीजस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम हमारी मिनिस्ट्री आप सभी के लिए प्रार्थना करेगा मेरे प्रियो, आपके घर आपके परिवार के लिए, कि 2023 आपके लिए अशोक का साल, उमंग का साल और आनंद का साल और मे मिलाप का साल ठहरने पाए। वन विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु ने ऐसा ही कर दिया, हालेलुया। एक बार फिर से हमारे मिनिस्ट्री की ओर से सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2023, आप सभी को मुबारक हो। 2023 में प्रभु यीशु मसीह आप सभी को अपनी अशोक से भरपूर करें, यही मेरी प्रभु यीशु से प्रार्थना रहेगी, हालेलुया। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय।